खुशी मुना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। जो बड़े बड़े कोई शिवलिंग ढूंढ रहा है, कोई मंदिर में मस्जिद ढूंढ रहा है, कोई आकर के कुछ बखान कर रहा है, कोई आकर के कुछ बखान, क्या चल रहा है भाई? ये कोई क्रिकेट का अड्डा है क्या? यहाँ बैठ करके कोई मजाक चल रही है क्या? तभी सुलझ जाएगी। एक बात फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों के लिए भारत कभी माफी नहीं मांगेगा। अपनी टीआरपी के लिए ये देश को जलाने से नहीं चूकते, देश की फजीहत कराने से नहीं चूकते। चुप है प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता है। शर्म की बात यह है, यदि गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है तो माफी भारतीय जनता पार्टी मांगेगी। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वे दुलारे हैं, समझ कर तुम सतत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गोपाल तिवारी। आज पूरे विश्व स्तर पर भारत की फजीहत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करा रही है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही छोटा कण जिसे नुपुर शर्मा के नाम से जाना जाता है, नाम तो आपने सुना ही होगा। जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने पूरे भारत की फजीहत पूरे विश्व स्तर पर कराई है, उस फजीहत के कारण आज पूरे 130 करोड़ भारतवासियों का सर शर्म से नीचे झुक गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बीती 27 तारीख को एक डिबेट शो में नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर के जिस तरीके से विवादित टिप्पणी दी थी, उस विवादित टिप्पणी को लेकर भारत में मुस्लिम समुदाय जिस तरीके से रोष और गुस्से में प्रदर्शन कर रहा था, उसको भारत सरकार ने अनसुना किया, अनदेखा किया। वो तूल पकड़ता गया और इस कदर तूल पकड़ा कि उसकी आंच इस देश के बाहर जाकर के पहुंच गई और अरब के देशों ने भारत के जितने भी प्रोडक्ट्स उनके देश में थे उनका बायकॉट करना शुरू कर दिया, ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और भारतीय राजदूतावास को तलब कर वहां के लोगों को बुलाकर फटकार लगाई और भारत को यह कहने के लिए मजबूर किया कि भारत आए और सार्वजनिक माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। और जैसे ही राजदूतावास से यह खबर भारत में आती है और भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुलती हैं, इतना प्रेशर होता है कि उस प्रेशर को वो झेल नहीं पाते हैं और उन्हें अपने दोनों प्रवक्ता, चहेते प्रवक्ता जिनको राजदूतावास में फ्रिज एलिमेंट कहा गया, अराजक तत्व कहा गया, उन अराजक तत्वों को नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पूरी तरीके से पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है और एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है। उसमें यह कहा जाता है, हजारों वर्षों से यह देश जिस यात्रा के साथ आगे बढ़ा है उसमें सभी धर्मों का बराबर का जो है हिस्सेदारी रही है और सर्व धर्म संभाव के रास्ते पर ही भारतीय जनता पार्टी चलती है। जिस तरीके से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की, उससे भारतीय जनता पार्टी कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। इसलिए तत्काल प्रभाव में इनकी प्राथमिक सदस्यता से भी इनको निष्कासित किया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना कर देने मात्र से ये चीजें सुलझ जाएंगी? ऐसा नहीं है। यह तभी होगा जब इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और इन्हीं पे नहीं, इन जैसे लोगों को रोज शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे नोएडा में तमाम नफरती एंकर जो इनको बुलाते हैं, बैठाते हैं और देश में नफरत की खेती करने के लिए इनको प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि उनको टीआरपी मिलती है। अपनी टीआरपी के लिए ये देश को जलाने से नहीं चूकते, देश की फजीहत कराने से नहीं चूकते और ये पहली बार नहीं है। और प्रधानमंत्री जी अभी तक चुप है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता है। शर्म की बात ये है कि आज विदेशी एक बात करने की, आज वो आंख में आंख डाल करके भारत से कह रहे हैं कि सार्वजनिक भारत माफी मांगे।
प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों के लिए देश कभी माफी नहीं मांगेगा। यदि गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है तो माफी भारतीय जनता पार्टी मांगेगी। प्रधानमंत्री सामने आए और जितनी भी अभी तक इनके पार्टी में रहते हुए लोगों ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, देश में जहर घोलने की जो इन्होंने खेती की, उसके खिलाफ इनको एक आकर के भाषण देना होगा और माफी मांगे प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, एक पार्टी की मुखिया की हैसियत से माफी मांगे। क्योंकि इतिहास में 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश को विश्व स्तर पर फजीहत का सामना करना पड़ा हो। छोटे छोटे देश माफी मांग रहे हैं, माफी मांगने के लिए विवश कर रहे हैं देश को। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और कहां गए वो लोग जो बड़े बड़े कोई शिवलिंग ढूंढ रहा है, कोई मंदिर में मस्जिद ढूंढ रहा है, कोई आकर के कुछ बखान कर रहा है, कोई आकर के कुछ बखान, क्या चल रहा है भाई? ये कोई क्रिकेट का अड्डा है क्या? यहां बैठ करके कोई मजाक चल रही है क्या? शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उतारू है इस देश को शर्मसार कर देने पर, यह देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए तत्काल प्रभाव में आकर के प्रधानमंत्री को, नुपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को अनुशासनात्मक कार्रवाई दंड प्रक्रिया के तहत उनको जो है सजा दिलवाई जाए, उनके ऊपर FIR दर्ज करवाई जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और भारतीय जनता पार्टी आकर के माफी मांगे। ये चीजें तभी सुलझेगी। एक बात फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों के लिए भारत कभी माफी नहीं मांगेगा, कभी भी नहीं मांगेगा। नमस्कार।